हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माय एनसीईआरटी इंजीनियरिंग क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर बैक विद एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो रीड क्वेश्चन नंबर 2 वेरी केयरफुली। सॉल्व द फॉलोइंग। ए, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। The highest score is 87. What is the lowest score? What is the meaning of the question? Teacher tells the class. Teacher ने class में कहा कि जो that the highest marks obtained by a student, कि जिस student ने highest marks लाया गया है या लाया है in her class, आपकी class में, is twice the lowest marks plus 7. वो दो गुना है अगर आप उसमें प्लस 7 ऐड करते हो तो। और जो आपका हाईएस्ट स्कोर है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, सो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, आपका लोएस्ट स्कोर क्या होगा। लेट अस सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड पार्ट ए। इन क्वेश्चन कैलकुलेट और आस्क द व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो लेट द रिक्वायर्ड स्कोर बी, रिक्वायर्ड कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म REQ, रिक्वायर्ड लोएस्ट स्क्वायर बी स्कोर बी एक्स। ओके, और वो आपकी क्लास का हाईएस्ट जो है वो कितना है आपको बताया हुआ है, दो गुना है, दो गुना है वो क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। 2x है अगर आप उसमें ऐड कर दोगे 7 में तो हमारा लोएस्ट स्कोर x हो गया। बट हमको कंडीशन के हिसाब से क्या बना था, दो गुना है, दो गुना मतलब आपका मल्टीप्लाई किस में कर दोगे 2x में, सो द ट्वाइस मार्क्स विल बी ट्वाइस नंबर ऑफ ट्वाइस मार्क्स ऑब्टेंड विल बी रिटर्न एज 2x। ओके स्टूडेंट, अब एक कंडीशन दी है, ट्वाइस नंबर में प्लस करना है आपको 7। तो स्टेप 1, द रिक्वायर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x, दो गुना है अगर आप उसमें प्लस 7 करोगे तो प्लस 7, एंड द हाईएस्ट स्कोर विल बी 87, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा ओवरऑल वो कितना आएगा 87। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट, इन दिस इक्वेशन यू सी दैट द वेरिएबल एक्स इज अननोन, मींस यहाँ पे आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो अननोन है, वेरिएबल है, एक्स वाई जेड जरूर है, अल्फाबेट है, बट हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में उसको वेरिएबल बोलते हैं, ABCD XYZ जो भी रहता है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2x एज इट इज रहने दो, x हमको फाइंड आउट करना है इसलिए हम इक्वल टू में लेके चलेंगे जो है 87 एज इट इज, प्लस का 7 लेफ्ट हैंड साइड के उधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, 2x एज इट इज, 87 माइनस 7 इज 80, सो एक्स इक्वल्स टू 80 एज इट इज रहने दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट दिस, व्हाट इज द वैल्यू, नाउ कैलकुलेट दिस, व्हाट इज द वैल्यू, 40, 2 1 2 2 4 8 0 का 0, सो द रिक्वायर्ड लोएस्ट नंबर, लोएस्ट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या निकली यहाँ पे 40, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, व्हाट इज द लोएस्ट स्क्वायर, मतलब लोएस्ट स्क्वायर की वैल्यू आखिर आई क्या। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, द लोएस्ट स्क्वायर इज 40। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन बी कंडीशन। What is B condition?
साइड क्या होती है? नहीं, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट यहाँ पे कौन सी कंडीशन दी हुई है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। मीन्स ये तो देखिए, ये तो आपको सेम दिख रही है स्लैंट हाइट वाली, ठीक है। नाउ फॉर वन क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस ऑफ द एंगल? रिमेंबर सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और ये आपको लर्न भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे आपको एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, सो आपको दो एंगल यहाँ पे निकालने हैं। या तो आप डायरेक्ट दो एंगल को 2x मान सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं लेट वन एंगल बी x एंड सेकेंड एंगल बी x, x x करके ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से बता रही हूँ, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल इज ऑल्सो बी एक्स, या आप एक्स डैश भी ले सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप दोनों एंगल को ही 2x मान लें, बट मैं यहाँ पे अलग अलग आपको बता दे रही हूँ। ओके, थर्ड एंगल आपको गिवन है, लास्ट वन, थर्ड एंगल, व्हाट इज द थर्ड एंगल वैल्यू? 40 डिग्री। थर्ड एंगल विल बी 40 डिग्री, ऐसा करके आप भी लिख सकते हो। अब नाउ स्टेप वन, व्हाट इज स्टेप वन? फॉर्म द स्टेटमेंट इन कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन फॉर्म। टू एंगल दिए हैं तो क्या कर सकते हैं उनको? एक्स प्लस एक्स प्लस थर्ड एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे आपको रिमेम्बरिंग के लिए दिया हुआ है कि सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, बट आपको याद भी होना चाहिए। तो इक्वल टू में हमने 180 डिग्री लिया, ये थ्री बेस एंगल की, थ्री बेस एंगल भी हो गए 1 2 3, उनका इक्वल टू भी क्या होता है 180 डिग्री। x प्लस एक्स 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 2x इक्वल टू में 180 एज इट इज, प्लस का 40 उधर गया तो माइनस का 40, 2x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? 180 माइनस 40 इज 140, सो 2x इक्वल्स टू कैसे लिखोगे? सेम x इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। फटाफट बताओ, 70 आ रहा है सबका, x इक्वल्स टू 70। ओके, x इक्वल्स टू 70 आ गया। अब हम क्या लेके चल रहे थे साथ में? डिग्री, तो डिग्री डिग्री लगा दिया, या आप साथ में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब नाउ वी गेट हियर द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री। मीन्स हमको इसमें क्या निकालना था, लास्ट लाइन क्या दी हुई है? व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो बेस एंगल था, बेस एंगल मतलब बेस वाला, ये हमारा ट्राइंगल था सपोज, ये वाला और ये वाला, कितना हो गया दोनों? 70 डिग्री। और माना है अगर इसको, तो ये ऑलरेडी दिया है 40 डिग्री, है ना। तो द बेस एंगल of a triangle या of a isosceles triangle is 70 degree। Okay student, all of you understand? Okay student, now come on question number C। Question number C अब आपको solve करके देखना है और मुझे comment करके बताना है कि आपका answer क्या है। Like and subscribe my channel। Bye bye।